है। इन सिंपल अभी तक हमने पढ़ा था मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स के बारे में, सिर्फ मल्टीमीडिया के कंपोनेंट के। अगर हम एक मल्टीमीडिया कंटेंट बना रहे हैं तो वो मल्टीमीडिया क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, तो ऑडियो वीडियो इमेजेस ये सब। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि मल्टीमीडिया सिस्टम के कंपोनेंट्स। जब हम किसी मल्टीमीडिया को तैयार करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, एंड यूज़र तक पहुंचाते हैं और एंड यूज़र द्वारा उनको देखा जाता है, तो वो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम कहलाता है। तो उस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कैप्चर डिवाइस। कैप्चर डिवाइस जिनसे मल्टीमीडिया सिस्टम को रिकॉर्ड किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो एग्जाम्पल में देखते हैं एक वीडियो कैमरा। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हमारी इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होंगी। बेसिकली जो मल्टीमीडिया है हम कंप्यूटर की हेल्प से ही बनाते हैं, तो उनमें किस किस चीज़ से इनपुट दी जा सकती है। हम कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो कैमरा हुआ, वीडियो रिकॉर्डर हम कह सकते हैं, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, राइट, माउस, लाइट पेन, 3D इनपुट डिवाइसेस, 3D इनपुट डिवाइसेस और डिजिटाइजिंग पब्लिक सैम्पलिंग हार्डवेयर जो होते हैं हमारे पास, राइट। ये होती है हमारी सब कैप्चरिंग डिवाइसेस जिनसे हम लोग अपने मल्टीमीडिया को रिकॉर्ड कर सकते हैं या बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस। जब हमने मल्टीमीडिया, आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि हमने कुछ चीज़ें उसमें लिखना शुरू किया तो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है अपने आप को। तो इसी तरीके से मल्टीमीडिया सिस्टम में भी एक स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीमीडिया कंटेंट है वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, उसमें ऑडियो वीडियो इमेजेस एनिमेशन सब कुछ होता है। तो स्टोरेज के लिए भी को हाई कैपेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती है हमारी, एक हार्ड डिस्क, CD, रोम और DVD, पेन ड्राइव भी कह सकते हैं, एक्सेट्रा, जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में आता है। फिर अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया, स्टोर कर लिया, फिर हमें प्रोसेस करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए नेटवर्क डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। नेटवर्क डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, एथरनेट, मॉडेम भी कह सकते हैं, टोकन रिंग, FTDI, ATM, इंटरनेट, इंट्रानेट, ISDN और कुछ नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं हमारी, लाइक हब, स्विचेस, फाइन। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंटरनेट के बिना तो हम कोई भी काम करना पॉसिबल ही नहीं है। हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, एक्सेट्रा, ओके। फिर जब हमने इनको ट्रांसमिट कर दिया, फिर हमें इनको देखना है। डिस्प्ले डिवाइसेस, हम जब कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट सिस्टम पूछते हैं, जब कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो उसमें आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसको नाम दिया है डिस्प्ले डिवाइसेस। आप अपने मल्टीमीडिया को किस तरीके से, कोई भी कंटेंट है उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस में आप यहाँ आ जाता है CD क्वालिटी स्पीकर। इन शॉर्ट हम इनको स्पीकर कह सकते हैं, स्पीकर, HDTV, SVGA, HDTV हाई डेफिनेशन
कि हमारा जो मल्टीमीडिया कंटेंट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, जब हम अच्छे कंटेंट की हम बात करते हैं तो उनके लिए आपको हार्ड कॉपी लेनी है तो कलर प्रिंटर प्लॉटर का यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटर है एक्सेट्रा, ये आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस हम उनको कह देते हैं। फिर बात आती है कि एक जो कंप्यूटर सिस्टम है पूरा, ये एक कंप्यूटर, इन सब चीज़ों से मिलके ही हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो उनके लिए एग्जांपल देख लेते हैं, मल्टी मीडिया डेस्कटॉप मशीन या फिर वर्क स्टेशन, आई गेस यस ओके, वर्क स्टेशन, MPEG या वीडियो हार्डवेयर, एक्सेट्रा। एक मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाना चाहूँगी सिंपल एक कंप्यूटर का। ये हमारे पास है, ये एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें आप, इसमें सिर्फ आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस नहीं है यहाँ पे, बाकी एक मॉनिटर है, CPU है, प्रिंटर है जो आपके प्रिंटर, CD स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ये सब आपकी स्टोरेज डिवाइसेस है, माइक माउस एंड कीबोर्ड, ये आपके इनपुट या कैप्चरिंग डिवाइसेस में आ जाता है, मॉनिटर, प्रिंटर, ये आपका डिस्प्ले डिवाइसेस में आ जाता है, और जो स्पीकर हैं, स्पीकर आपके डिस्प्ले डिवाइसेस में आते हैं, और हेडफोन या माइक, ये हमारी कैप्चरिंग डिवाइसेस में आते हैं। तो ये कंबाइन एक कंप्यूटर सिस्टम है और ये एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए पूरा। तो ये हो गया हमारा